मुझे पहले भी बोली और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या है। और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा कि लड़कियों अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। ए पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। देखिए, मैं तो उनका मान सम्मान करता हूँ, भाजपा की प्रत्याशी का मान सम्मान करता हूँ और सभी प्रत्याशियों का मान सम्मान करता हूँ, मगर जिस तरीके से उनकी शब्दावली पिछले काफ़ी समय से बिगड़ती जा रही है, वो उनको मुबारक है। मैं तो उनका शुभचिंतक हूँ। वो अच्छा मनोरंजन हिमाचल के लोगों का कर रही हैं, पिछले एक महीने से बहुत मेहनत कर रही हैं और लोग उनके मनोरंजन से बहुत खुश भी हैं। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आखिरी 10 दिन रह गए हैं, अच्छा मनोरंजन लोगों का करिए, उसके बाद आपने वापस बॉलीवुड जाना है। आपकी कई पिक्चरें अभी वहाँ पर शेष हैं, आप जाकर अपनी पिक्चरें बनाइए और यहाँ की जो हिमाचल के काम हैं, यहाँ के मसले हैं, हमने पहले भी पूरे किए हैं, आने वाले समय में भी उनको पूरा करेंगे। नहीं, हम भी करेंगे। अब हमको उनकी देखा देखी में रैली थोड़ी करनी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि मंडी की जनता अब इस भाषण से तंग आ चुकी है कि मुझे सेपू बड़ी पसंद है, मुझे काली दाल पसंद है, मुझे मंडी का झोल पसंद है, हर बारी ये बात को कहना। और जब वास्तविकता में मंडी के लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, जब हमारी सबसे बड़ी सदी की आपदा हिमाचल के अंदर आई, मंडी के अंदर आई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भी ट्वीट हिमाचल के लोगों के प्रति, मंडी के लोगों के प्रति नहीं आया। ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दिखा दीजिए, एक भी रिकॉर्ड में उनका ट्वीट नहीं आया, उन्होंने यहां का विजिट नहीं किया। अब चुनाव में मजबूरी है कि यहां पर उनको आना पड़ रहा है तो आ रहे हैं, ठीक है, अपनी बात कहेंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। पहाड़ी लड़कियों और औरतों के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं आपके बारे में, चाहे कंगना में कल स्पीच में कि पहाड़ी औरतों के बारे में गलत टिप्पणी, अगर किसी पहाड़ी लड़की का थप्पड़ लग जाए तो सब्जियों को भाव भूल जाए। देखिए, ऐसा है कि हम भी पहाड़ी है और हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिसमें पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड IPS ऑफिसर्स है, HAS ऑफिसर्स है, लॉयर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है, टीचर्स है, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करके हिमाचल का नाम रोशन किया है, आज बड़े बड़े पदों के ऊपर अपनी सेवाएं दे रही है। उनमें से एक बेटी मोहतरमा भी है, ठीक है, उन्होंने बॉलीवुड में जाकर कुछ अच्छी फिल्में करी है तो उसमें हमारी शुभकामनाएं हैं, मगर वो जनरलाइज क्यों कर रही है? हमने तो किसी के बारे में बात नहीं करी, हमने तो सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज के लिए जो है वो महिलाओं के महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबसे सबके सबको हम बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं, तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत सी ऐसे बयान दिए हैं जिससे लोग लोटपोट होकर हंसते रुकते नहीं हैं। जो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन है मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है, तो मैं तो समझ रहा हूँ वापस जाकर कहीं कपिल शर्मा की बॉलीवुड से कहीं छुट्टी ना हो जाए, इस तरीके का सिस्टम चला हुआ है, तो वापस जाए 4 तारीख के बाद, जो उनकी फिल्में बची है फिल्में करे, या वरना जो है कॉमेडी शो विद कंगना रनौत। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।